Food and the pet. What pet? Kids, what do you? Computer, keyboard. Good morning, children. Kids, what do you use to write in your book? We use a pencil or a pen. Our teacher uses a chalk to write on the board, but we cannot use a pen or pencil for writing on computer. So, children, हम लोग कंप्यूटर के अंदर लिखने के लिए हम क्या पेंसिल का यूज नहीं कर सकते हैं. सो यू हैव टू यूज द कीबोर्ड टू राइट और एंटर द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर. कंप्यूटर में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ठीक है. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द कीबोर्ड. कीबोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है. दिस इज अ कीबोर्ड. देखो ये कीबोर्ड है. इसके अंदर जो बटन्स होती है हम उनको कीज कहते हैं. उसके बाद ये जो कीज है, वी यूज दिस कीज टू टाइप समथिंग ऑन द कंप्यूटर, ठीक है. इट हैज अ 104 कीज, 104 कीज होती है, ठीक है. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क. मतलब अलग अलग टाइप की कीज से हम अलग अलग चीजें कर सकते हैं. अल्फाबेट कीज, ठीक है. देखो आपको अल्फाबेट कीज दिख रही है. नंबर कीज होती है, 1 2 3 4 वाली, अल्फाबेट्स ए बी सी डी वाली. स्पेशल कीज जो होती है जिसपे सिंबल्स होते हैं. फंक्शन कीज जो होती है ऊपर होती है, ठीक है. देखते हैं अल्फाबेट की. द की द अल्फाबेट कीज आर मार्क विद ए टू जेड. देखो ए से लेके जेड तक आपको जो ए बी सी डी ई एफ जी ये दिख रही है अल्फाबेट कीज होती है. देर आर द 26 अल्फाबेट कीज ऑन द कीबोर्ड. कितनी कीज होती है कीबोर्ड के अंदर? 26. दिस आर यूज टू टाइप लेटर्स, ओके. ड्यू टू इट्स फर्स्ट रो ऑफ अल्फाबेट्स, देखो ये फर्स्ट रो दिख रही है आपको अल्फाबेट की, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई. इट इज कॉल्ड द, ठीक है, क्वर्टी कीबोर्ड और कीपैड. नंबर कीज, अब नंबर कीज क्या होती है? देखो ऊपर दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और इधर दिख रही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है. तो द नंबर कीज आर मार्क विद 0 to 9 एंड दिस आर 10 इन नंबर्स, ठीक है. 0 से लेके 1 मतलब 1 से लेके या 0 से लेके 1 तक होती है, ओके. वी यूज देम टू टाइप द नंबर्स ऑन द स्क्रीन, फाइन. देखो यहाँ पे दिख रहा है नंबर नम लॉक करके. अब फंक्शन कीज क्या होती है? फंक्शन कीज जो होती है, दिस कीज आर यूज्ड फॉर द डिफरेंट फंक्शंस इन द डिफरेंट प्रोग्राम्स. देखो ऊपर आपको दिख रही है F1, F2, F3, F4, F5, 6. ये क्या होती है? फंक्शन कीज होती है. दिस आर फाउंड एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड. स्पेशल कीज, स्पेशल कीज जैसे कि स्पेस बार, स्पेस देने के लिए होता है. एंटर की दो लाइन के बीच में को चेंज करने के लिए होता है. बैक स्पेस लाइन हटाने के लिए होता है. कैप्स लॉक जो होता है कैपिटल के लिए होता है. एरो कीज अप डाउन के लिए होती है. डिलीट की फॉर यूज फॉर डिलीट. शिफ्ट की, ओके. सो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको डिलीट की, ये शिफ्ट की है ना. तो ये सारी की. अब स्पेस बार, द स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. सबसे बड़ी की जो होती है वो हमारी कौन सी होती है? स्पेस बार होती है. वी यूज दिस टू गिव द स्पेस बिटवीन टू लेटर्स, वर्ड्स एंड नंबर्स. दो नंबर के बीच में स्पेस देने के लिए. एंटर की, एंटर की क्या होती है? दिस की इज यूज टू मूव कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. लाइन को चेंज करने के लिए या दूसरी लाइन में जाने के लिए हम एंटर की का यूज करते हैं. वी ऑल्सो यूज दिस की टू पास ऑन अवर इंस्ट्रक्शन टू द सीपीयू, ठीक है. तो हम इससे क्या कर सकते हैं? लाइन चेंज भी कर सकते हैं. तो कहते हैं कैप्स लॉक की. अब कैप्स लॉक की क्या होती है? दिस की इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स. ये की जो होती है हमारी कैपिटल लेटर्स टाइप करने के लिए. इसको अगर हम प्रेस कर देंगे तो कैपिटल लेटर्स टाइप होने लगते हैं. वेन वी प्रेस दिस की, द कैप्स लॉक लाइट टर्न्स ऑन. When caps lock is on and you type alphabet, अगर caps lock on है और आप कोई alphabet type कर रहे हैं तो letters appear in upper case और capital. When it is off, letters appear in the okay. Backspace की.
अब बैक स्पेस की क्या होती है, देखो दिस की इज यूज इज प्रेजेंट जस्ट अबव द एंटर की, एंटर की के जस्ट देखो ऊपर दिख रही है आपको, वी यूज इट टू इरेज द रॉन्ग लेटर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। मतलब अगर हमसे कुछ गलत लिखा गया उसको रफ करने के लिए हम बैक स्पेस का यूज करते हैं, डिलीट की इट इरेज द लेटर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर, ठीक है, ये भी हमारे लेटर्स रिमूव करने के लिए होते हैं। शिफ्ट की, शिफ्ट की इज यूज टू टाइप द स्पेशल सिंबल्स रिटन ऑन द अपर साइड ऑफ द नंबर कीज एंड सम अदर कीज, इट इज ऑल्सो यूज टू टाइप सिंगल कैपिटल लेटर। अगर कोई सिंगल कैपिटल लेटर्स हमको टाइप करना है तो हम उसमें शिफ्ट की का भी यूज कर सकते हैं, शिफ्ट एंड देन वो लेटर जो, ठीक है। एरो कीज, एरो कीज क्या होती है, एरो कीज आर ऑल्सो यूज कर्सर कंट्रोल कीज और कर्सर मूविंग कीज, द एरो कीज आर फोर इन नंबर्स, दिस आर यूज टू मूव द कर्सर इन फोर डायरेक्शन लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, ठीक है। तो एरो की क्या होती है, इससे हम लोग डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, है ना। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, देखो एक होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड और एक होता है लैपटॉप कीबोर्ड, दो टाइप्स के हमारे पास कीबोर्ड होते हैं, एक तो नॉर्मल जो होता है कंप्यूटर के साथ और एक लैपटॉप वाला होता है। एक होता है टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, देखो वायरलेस कीबोर्ड भी होता है एंड फोल्डेबल कीबोर्ड भी आता है, ये होता है एरिजोनमिक कीबोर्ड। नाउ यू नो अल्फाबेट कीज आर यूज टू टाइप लेटर्स, नंबर कीज आर यूज टू टाइप नंबर्स, ओके चिल्ड्रन। सो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू वर्डपीट। अब वर्डपीट के बारे में पता होना चाहिए। इन दिस लेसन यू विल बी लर्न दैट द कंप्यूटर इज अ वंडरफुल मशीन एंड इट हेल्प्स अस इन मैनी वेज लाइक राइटिंग नोट्स एंड स्टोरीज, ठीक है। So, I have become tired of writing stories on paper. Can you help me to write this on the computer? So, sure, Prezi, you can write on a computer using a program called the WordPad. Let's learn more about the program. ठीक है? WordPad. WordPad is a word processor program. It helps us to create, store and print text. Okay? हम starting WordPad. कैसे start कर सकते हैं? Word can be started as follows, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में जाना है हमको, ठीक है। स्टार्ट के बाद हमको ऑल प्रोग्राम्स में जाना होगा, ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद हमको एसेसरीज में जाना होगा, फिर हमको वहां पे क्या मिलेगा, वर्डपेड, ठीक है। वहां से हम क्या करेंगे, वर्डपेड ओपन करेंगे, ठीक है। देखो एक क्विक एक्सेस बार है, टूल बार है, टाइटल बार है, टैब्स है, रिबन है, वर्किंग एरिया है, ठीक है। वर्किंग एरिया जो व्हाइट कलर का स्पेस दिख रहा है वहां पे हमको जो भी स्टोरीज लिखनी होगी वो सारी स्टोरीज हम यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। टाइटल बार जो भी हमारे डॉक्यूमेंट का नेम होगा वो टाइटल बार होगा, वर्डपेड बटन, ठीक है। सो इट कंटेन्स बटन दैट यू कैन यूज टू प्रिंट सेव एंड ओपन वर्डपेड डॉक्यूमेंट्स बटन टैब, ठीक है। रिबन, ग्रुप ऑफ टूल्स, इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं। राइटिंग स्पेस, ये राइटिंग स्पेस है हमारा, इट इज द हेल्प, ठीक है। डिस्प्लेस, सम मोर द स्मॉल आई शेप बीइंग व्हिच ब्लिंक्स इन द राइटिंग एरिया इज द माउस पॉइंटर, वो क्या होता है, माउस पॉइंटर होता है। लेट सी हाउ टू राइट इन वर्डपेड, ठीक है। टाइपिंग इन वर्डपेड, अब कैसे लिख सकते हैं, टाइप द फॉलोइंग लेटर्स इन वर्डपेड, माइटी एंड कंप्यूटर, हेलो फ्रेंड्स आई एम माइटी, वी आर वर्किंग इन वर्डपेड, व्हाट डू यू वांट टू लर्न, आई नो एवरीथिंग, ठीक है। ये हम वर्डपेड पे लिखेंगे, ठीक है, ये वाली चीज कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। टाइप द फॉलोइंग लेटर्स, ठीक है, ये देखो माइटी, हमको कुछ नहीं करना है, वाइट स्पेस में टाइप करना है, ठीक है, कीबोर्ड से माइटी एंड कंप्यूटर, ऐसे हमको स्टोरी क्या करना है, टाइप करना है, जो भी आपकी इच्छा है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स आई एम माइटी, वी आर लुकिंग इन वर्डपेड, व्हाट डू यू वांट टू, ठीक है। विच की वुड यू लाइक टू यूज टू गो the beginning of the new line from the end of the completed line, कैसे जा सकते हैं हम, देखो ये जो है last line से हमको अगर first line में जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं। formatting text, अब हमको क्या है, formatting text means क्या होता है, changing the text alignment, font type, font size, font color, font style, मतलब formatting मतलब इसको अच्छे से adjust करना कि ये आगे पीछे ना दिखे, to shift text in the center of the page, अगर हम चाहते हैं कि पेज के बीच में ये जो लिखा हुआ है वो बीच में लिखा हुआ है, सेंटर में लिखा हुआ है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, टेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना होगा, फिर टॉप में आपको ऊपर दिख रहा है पैराग्राफ है ना, तो वहां से हम एडजस्ट कर सकते हैं, या हम देखो ये दिख रहा है पैराग्राफ,
पैराग्राफ में जाना होगा हमको, और ये सेंटर वाला दिख रहा है इस पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, ये सेंटर में आ जाएगा। इससे आपका कंटेंट अगर आप चाहते हैं पूरा तो पूरा भी हो सकता है। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट इज सेट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में ही आता है हमारा कंटेंट, ठीक है। अब बी आई यू ये किसके लिए यूज होते हैं, देखो, टू गिव द एक्स्ट्रा थिकनेस टू द टेक्स्ट, मतलब बोल्ड करने के लिए हम ये यूज करते हैं। इटैलिक के लिए टेक्स्ट व्हिच यूजली अपीयर्स स्लैंटेड टू द राइट। एंड अंडरलाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये यू के नीचे जो अंडरलाइन दिख रही है इट्स अ लाइन, ठीक है। जैसे कि ये टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया, अब मैं चाहती हूँ कि इसको मैं क्या करूँ, होम में आपको दिख रहा है होम वाले टैब के अंदर बी आई यू इन सब चीजों से बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा और अंडरलाइन हो जाएगी, अगर इसको सिलेक्ट करना पड़ता है पहले, ठीक है। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं हम, यहाँ से देखो रेड कलर हो गया है, द टेक्स्ट विल अपियर एज शोन ब्लो। Wow, now it's look more attractive. देखो अगर हम इसका कलर चेंज कर देंगे तो बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा। आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क यू कैन सेव योर वर्क, आप इसको फिनिश करने के बाद अपने वर्क को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। स्टेप में जाके सेव पे क्लिक करके और क्या करना है आपको, क्या करना होगा, यहाँ पे आप उसका नेम लिख देंगे, फाइल नेम में नेम मेंशन करना होगा, जो भी आप नेम रखना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट का, और सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा और ऊपर आपको दिख जाएगा। तो व्हाट वुड हैपन इफ यू क्लिक द कैंसिल बटन इन द सेव एज द डायलॉग।